वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। कभी उन्होंने सपनों की नगरी यानी मुंबई को ऑटो, टेम्पो और लोकल ट्रेन से घूमा था, लेकिन आज BMW में सवारी करती हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन अब उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है। सही पहचाना, हम बात कंगना रनौत की कर रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने वाली कंगना ने एक वक्त पर नहाना तक छोड़ दिया था, और ऐसा किसी फिल्म के सीन में नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ में हुआ था। कंगना ने ऐसा क्यों किया था, जानने के लिए रूबरू हो लीजिए इस स्पेशल रिपोर्ट से। गौर करने वाली बात है कि कंगना ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा तमाम अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। यह हकीकत है कि आज कंगना जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। लेकिन उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इतने ज्यादा तनाव में चली गईं कि उन्होंने नहाना भी छोड़ दिया था। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने खुद बताया था, इंडस्ट्री में आने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान रहती थी, ट्रॉमा में भी रही। मैं सोचती थी कि बाकी लड़कियां मुझ पर हंसती क्यों हैं। मुझे लगता था कि क्या मैं गलत इंग्लिश बोलती हूं या मेरी आवाज अजीब है। वो काफी खराब दौर था और मैं अवसाद में पहुंच चुकी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने नहाना ही छोड़ दिया था। कई दिनों तक मैं ऐसे ही रहती थी। इसके अलावा मैं काफी आलसी भी हो गई थी। उस दौर में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। कंगना बताती हैं कि उस बुरे दौर से उभरने के लिए मैंने काफी कोशिश की। एलिमेंट, कंपोजिशन और एनर्जीज के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैं सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। बताया जाता है कि इसके बाद कंगना को कुछ अच्छी फिल्में भी मिली। उन्होंने हाथ आए मौकों को अच्छे से भुनाया। आज वो वहां पहुंच चुकी हैं जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। गौर करने वाली बात है कि कंगना कभी ऑटो, टेम्पो और लोकल ट्रेन से मुंबई में धक्के खाती थी। आज वो शहर को BMW से देखती हैं। कहा जाता है कि उनके जीवन का एक दौर ऐसा भी रहा जब वो फुटपाथ पर सोती थीं। फिलहाल कंगना जयललिता की बायोपिक थलाइवी के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी वेट भी बढ़ा लिया है। इसके अलावा उन्होंने तेजस भी साइन की है, जिसमें वो इंडियन एयरफोर्स पायलट के रोल में नजर आएंगी। तो ये थी कंगना रनौत की जिंदगी की वो हकीकत जिसे शायद आप कभी रूबरू ही ना हुए हों। आपको कैसी लगी कंगना के स्ट्रगल की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। बॉलीवुड की हस्तियों की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानना चाहते हैं तो बने रहिए जनसत्ता के साथ।